नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज बोर्ड मास रूल, और इस बोर्ड मास रूल को हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। मोस्टली आपके पास में इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा। तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन टाइप के जितने भी क्वेश्चन, मतलब जो भी आपके पास में जो ऑपरेशन है वो सबको मिक्स करके वो दिए जाते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं। और उस टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपका आंसर ठीक नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि पहले हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें या पहले डिवाइड करें या सबसे पहले इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो बहुत सारे कंफ्यूजन उसमें आपको क्रिएट होते हैं, लेकिन अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये रूल आपको सारे के सारे जो आपके कंफ्यूजन उनको सबको वो क्लियर करेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं बोर्ड मास रूल आपको किस तरह से अप्लाई करना है। इनका बेटा इन सभी लेटर्स का एक मीनिंग है। तो जैसे बी आपके पास, तो बी मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिविजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, अंडरस्टैंड, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। समझ में आता है? जब आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले आपको उसके ब्रैकेट को ब्रेक करना है, मतलब उसको ब्रैकेट से आपको बाहर निकालना है। आफ्टर दैट ऑफ मीन्स, अगर आपको ऑफ का साइन दिया हुआ है तो ऑफ मीन्स आपको जहां पर ऑफ का साइन दिया उसको आपको सॉल्व करना है। मैं बताऊंगा कैसे उसको करेंगे। आफ्टर दैट डिविजन एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आपको रूटीन में आपको स्टेप टू स्टेप इस ऑपरेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस बोर्ड मास रूल को इसमें अप्लाई करते हैं और कैसे हमारे पास में आंसर जल्दी से निकल के आता है। चलिए देखते हैं। 42 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 ऑफ 35, हम कहें इसको 1 अपॉन 7 ऑफ 2। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको कहा गया है कि सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। और इसमें एक चीज आप इसमें नोटिस कीजिए बेटा, इसमें डिवीजन भी आपको करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ऑफ भी आपको निकालना है, उसको सब्ट्रैक्ट भी आपको करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को आपको दिया तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो हमें ब्रैकेट तो निकालना नहीं है। अगर 1% ये ब्रैकेट में भी देते तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट के पार्ट को हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए आपको ये दे दिया, ये आपको यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपको दिया है कि प्लस 1/7 ऑफ 35। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट्स, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना। तो जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा 42 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये एज इट इज आपके सामने आएगा 1/7 ऑफ 35 माइनस 2। अंडरस्टैंड, अभी आपने उसको ब्रैकेट को खोला है एंड आफ्टर दैट आपको सेकंड में लेना है ऑफ, मतलब आपको ऑफ निकालना है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है इस चीज को आप सबसे पहले सोचिए। ऑफ मीन्स वी हैव टू नीड द 1/7 ऑफ 35, यानी कि आपको 1/7 35 का 1/7 पार्ट आपको निकालना है। ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है मल्टीप्लाई करना या किसी का परसेंटेज निकालना। अंडरस्टैंड, तो देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। अब आपके पास आएगा 42 एज इट इज चलता रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा 1/7 जब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा बेटा और हम इसको निकाल देंगे। और अब आप इसको इजिली करेंगे 42 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 से जब आप 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम कटेगा, तो इट मींस आपके पास 5 माइनस 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड,
थर्ड नंबर पे आपको डिवीजन दिया, यानी कि आपको डिवाइड करना है, तो 6 से आप इसको 42 को डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42 होता है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 7 आया, बिकॉज 6 7 जा 42, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई का साइन यहां पर रखा है, प्लस 5 माइनस 2, आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, तो 14 प्लस 5 माइनस 2, अंडरस्टैंड। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं, क्या करेंगे वो, 14 में आपने 5 को ऐड कर दिया फिर उसके बाद माइनस कर दिया, लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। नेक्स्ट आपको दिया है बेटा एडिशन, तो एडिशन में आप करेंगे तो 14 प्लस 5 आपके पास 19 हो जाएगा और माइनस 2 आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे यहां तक तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे इसको ऐड कर देंगे, लेकिन बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे कि पहले 5 में से माइनस 2 कर दो, तो आपके पास जो भी आएगा वो आपका आंसर आ सकता है, उसमें आ सकता है लेकिन उसमें बेटा श्योरिटी नहीं है, तो आपको स्टेप टू स्टेप ही चलना है। हमने सबसे पहले देखो यहां पर फोर्थ नंबर पे आपके पास दिया है, फिफ्थ नंबर पे दिया एडिशन, तो हमने यहां पर ऐड कर दिया, 19 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 17 आएगा, तो ये आपका जो 17 है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहां पर कह सकते हैं बेटा मुझे कि सर अगर हम इसमें पहले माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 14 के साथ हम लोग जब उसको ऐड करेंगे तो भी 17 आएगा, आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर आप इसको स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपके पास में आपका राइट आंसर आने की श्योरिटी 100% हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऑपरेशन कहीं पे लगा देंगे, सपोज कीजिए आपने डिवीजन के बाद सीधा एडिशन कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको बोर्ड मार्क्स को स्टेप टू स्टेप ही अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो तभी आपका आंसर इजिली राइट आएगा और आपके क्वेश्चन में जो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बिल्कुल 110% होगी कि वो बिल्कुल सही ही है, ठीक है ना। तो ये आपको आई थिंक बोर्ड मार्क्स रूल आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, वो है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन दिस टॉपिक बिकॉज ही डोंट नो हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड हाउ कैन वी प्रूव दैट सम नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3 और मोर देन 5। ओके, तो चलिए आज हम इसमें बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन से नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन से डिविजिबल होंगे और वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड, अगर आपसे कोई नंबर आपको दिया जाता है बेटा, सपोज कीजिए आपके पास में कोई नंबर दिया गया, तो आप उसको डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आप उसको डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी नंबर से किसी ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो प्रोसीजर है, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता है तो इजिली आप विद इन 2 और 5 सेकेंड्स में आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे और किस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो रूल है 2 का, वो रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी इक्वल, सॉरी इवन, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उसमें आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसका जो लास्ट डिजिट आपको दिया गया है उस लास्ट डिजिट में आपको ये चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या नहीं है। अंडरस्टैंड, इवन और ऑड नंबर आप प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, तो यहां पर हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी आपको चेक करना है कि दिया गया नंबर किसी भी नंबर्स में उसके लास्ट डिजिट 2 वो इवन है या नहीं है। सपोज डेट आपके पास एग्जांपल है 2502 और यहां पे आपको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अंडरस्टैंड, तो ये देखिए इसके लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ये लास्ट में आपके पास में 2 रखा है एंड 2 इज अ इवन नंबर, सो यू कैन इजिली से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अंडरस्टैंड, आप इजिली कह सकते हैं कि सर जो नंबर आपको दिया गया है ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट डिजिट इज इवन। अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट इज 3। जब आप 3 से किसी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उसकी, तो उसके लिए भी एक रूल आपके पास में रखा है। क्या रूल होगा बेटा, वो आपको देखना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबसे पहले आपको उस नंबर की जो उसका जो सम होगा
वो आपको निकालना है और फिर उसके बाद देखना है जो आपके पास रिजल्ट आया वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट यू हैव 321, अंडरस्टैंड, तो आपको इस पे चेक करना है कि क्या है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 इज सेज दैट सम ऑफ ऑल डिजिट्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने इसका सम निकाला और सम आपके पास 6 आया, और 6 को आप देखते हैं कि ये आपके पास 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है कि कोई नंबर जो आपके पास निकल के आया है वो 3 में, उसका मतलब वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो आप जानते हैं कि 6 आपके पास 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, सो दैट 321 इज। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है 4, बट आई वांट टू टेल यू 4 इज अ सेम एज 2। अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो उसके लिए आपको बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट आपको लगाना है जो आपने 2 में लगाया है। उसमें भी आपको देखना कि लास्ट, अगर उसके लास्ट डिजिट इवन है तो वो 4 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो 4 का आपको इतना कुछ नहीं याद रखना, हम सीधा बात करते हैं यहां पर 5 का। जब हम 5 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसका एक कंसेप्ट है आपके पास में। यहां आपको दिया गया है कि लास्ट डिजिट्स शुड बी 0 और 5। जब आप 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हैं तो वहां पर आपको देखना है कि जो आपको नंबर दिया गया है उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर उसके लास्ट में 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर उसमें प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। लेट्स सी बाय द एग्जांपल, आपके पास में एग्जांपल दिया है 250, और 250 में आपको देखना है कि लास्ट डिजिट पे क्या रखा हुआ है, 0, और 0 यहां पर मौजूद है क्योंकि लास्ट में उसने कहा है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 इज डिविजिबल बाय 5, अंडरस्टैंड। अगर हम इसके साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें देखते हैं 255, तो हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पे हमने देखा था कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, बट हियर द लास्ट डिजिट इज 5, सो दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 5, अंडरस्टैंड। तो ये नंबर भी आपके पास 5 से डिविजिबल होगा, समझ में आता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि कितना इजी है इसको चेक करना। अब हम देखते हैं बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करने के लिए हमें एक कंसेप्ट को याद रखना है, वो क्या है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। आपको कोई नंबर दिया जाता है और उसमें वो पूछता है कि ये बताइए कि यह 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, उसके लिए आपको ये चेक करना है कि वो जो नंबर आपको दिया है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो आप कह सकते हैं द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। चलिए चेक करते हैं, सपोज दैट यू हैव एग्जांपल 5922, अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द रूल लास्ट डिजिट शुड बी इवन। तो यहां पे आपको देखना है कि क्या लास्ट डिजिट आपके पास इवन है या नहीं है, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट आपके पास में क्या आती है, वो आपके पास इवन है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, एंड द अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी बाय 3 सम ऑफ ऑल डिजिट, आपको इस पूरे डिजिट का सम निकालना है और उसे चेक करना है, जो आपके पास आंसर आता है वो 3 का और 6 का मल्टीपल है या नहीं है। सॉरी, 6 का नहीं देखेंगे, 3 का देखेंगे। तो हम देखते हैं 18, एंड 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3, बिकॉज 18 is present in the table of 3. We know 3 6 18 होता है, तो आपके पास में क्या कह सकते हैं कि ये 18 जो है वो इससे डिविजिबल होगा। तो जब ये डिविजिबल होगा तो ये आपके पास में 6 से भी डिविजिबल होगा, अंडरस्टैंड, ये समझ में आता है। टॉकिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड डिजिट 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 7। जब हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हमें क्या चेक करना है, उसमें हमें ये रूल याद रखना है, ये इस रूल को हमें रिमेंबर रखना है अपने माइंड में कि लास्ट 2 डिजिट जो होगी आपके पास में, देखो यहां पर आपको कहा है डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट
डिजिट, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके हमें उसको डिफरेंस निकालना है उसका, और जो डिफरेंस निकालने के बाद जो आपके पास में आंसर आता है या तो वो जीरो होना चाहिए या फिर वो सेवन का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन वो होल्ड करता है आपका आंसर, तो आप कह सकते हैं कि द गिवन वैल्यू इज डिविजिबल बाय सेवन। चलिए इसको एग्जांपल से देखेंगे। सपोज दैट यू हैव 2975 एंड वी हैव टू फाइंड द दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सेवन और नॉट। जब आप इसको करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये जो लास्ट डिजिट है बेटा, लास्ट डिजिट आपके पास फाइव है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, फाइव का ट्वाइस करना है आपको। क्या करना है आपको इसका, फाइव का आपको ट्वाइस करना है। और जब आप इसका ट्वाइस करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा बेटा, बिकॉज आपको निकाल 297 माइनस ट्वाइस ऑफ फाइव यानी कि 205, इट मीन्स 297 माइनस 10, इसका मतलब ये आपके पास में 287 आ गया, ठीक है ना। और 287 में जो लास्ट डिजिट आपके पास होगी या तो 7 का मल्टीपल हो या फिर वो 0 हो, कंडीशन देती ना आपको 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 7, तो यहां पर 7 मल्टीपल 7 है 7 का, बिकॉज 7 वन 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डिजिट आपको दी गई है बेटा, ये 7 से डिविजिबल होगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने इसका जो रूल था वो हमने इसमें अप्लाई करके देख लिया और ये हमें पता चलता है कि ये 7 से मल्टीपल होगी, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट आपका है 8 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 को आपको क्या देखना है बेटा, इसमें बहुत इजी है, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। जो एग्जांपल आपके पास है, जो नंबर्स आपके पास दिया जाएगा उसके लास्ट 3 डिजिट को आपको देखना है। अब जैसे आपके पास लास्ट 3 डिजिट आपके पास ये है, आपको सिर्फ इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर आपके पास में 8 से डिविजिबल होगा, अंडरस्टैंड। व्हेन द 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन यू कैन से इजिली द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं इसको, जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसको इजिली हम उसी मेथड को यूज करेंगे, इसमें जो डिविजिबल डिवाइड हम करते हैं 8 से, इसको चेक करना है, अंडरस्टैंड। तो 8 5 जा 14, 8 7 जा 56, इसका मतलब 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। तो जब ये 8 से डिविजिबल है तो आप इजीली कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, अंडरस्टैंड। अब आपके पास आता है बेटा 9। अब हम 9 से चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9। जब आप किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 9 से, तो आपको करना क्या है बेटा, वहां पर आपको जो नंबर्स आपको दिया गया है उसका सम निकालना है। तो जब आप सम निकालेंगे आएगा आपके पास 5 9 2 + 2 = 18, अंडरस्टैंड। एंड यू कैन चेक 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है ना। 18 आपके पास 9 की टेबल में इजीली आता है, तो आप कह सकते हैं कि 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अंडरस्टैंड। इजी है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये छोटे छोटे रूल आपको याद रखने हैं। आप इजीली हर तरह के नंबर्स को, वो चाहे कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो आपके पास, इजीली कह सकते हैं कि सर ये इससे डिविजिबल होगा, अंडरस्टैंड। लास्ट हम देखते हैं कि 10 लास्ट डिजिट शुड बी 0। जब हम 10 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो वहां पर आपके पास कंडीशन है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास में जैसे आपको एग्जांपल दिया 568, तो यहां पर आप देखते हैं 1 प्लेस पर आपके पास 0 है, बिकॉज द लास्ट डिजिट शुड बी 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अंडरस्टैंड। लेट्स टॉकिंग अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। जब हम बेटा 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज चेक करना है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस एज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। जब हम किसी नंबर्स को 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की जब हम चेकिंग करते हैं तो वहां पर हमें देखना क्या है बेटा, कि जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर के इवन प्लेस पर जो वैल्यूज रखी हैं उनका सम निकालिए,
ऑड प्लेस पर जो वैल्यू रखी है उनका सम निकालिए और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके देखिए। अगर उन दोनों का डिफरेंस अगर वो या तो जीरो आए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 आए, 11 का मल्टीपल आए, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। चलिए इसको चेक करने के लिए हम इस एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल में हम देखेंगे बेटा कि जो इवन प्लेस पर जो वैल्यू रखी है और जो ऑड प्लेस पर वैल्यू रखी है उन दोनों का सम निकालेंगे और एंड आफ्टर दैट डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस के बाद अगर उसकी वैल्यू आपके पास या तो जीरो आनी चाहिए और या फिर वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए तो तब वो उसे हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा 11 से। अंडरस्टैंड? फर्स्टली हम लोग देखते हैं बेटा यहां पर इवन प्लेस पर एक तो 7 है और दूसरा इवन प्लेस पर 9 है, तो हम इन दोनों का सम निकालेंगे बेटा, सम ऑफ 7 एंड 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 एंड इट इज द 16। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, अब हमने इवन प्लेस पर तो जो नंबर्स थे उसका सम निकाल लिया, अब हम देखेंगे ऑड प्लेस पर जितने नंबर्स रखे उनका सम निकालेंगे। तो ऑड प्लेस पर ये 1 पर है एंड 3 एंड इट इज अ 5, तो 2 प्लस 8 प्लस 6 हम निकालेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ 2 8 एंड 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस 6 एंड इट विल बी 16। ठीक है ना, आपने इवन प्लेस के नंबर्स का भी सम निकाल दिया और आपने ऑड प्लेस के नंबर का सम निकाला, अब आपको डिफरेंस निकालना है इसका, डिफरेंस बिटवीन 16 एंड इज इक्वल टू 16 माइनस, जब आप 16 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। आपने देखा अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखते हैं कि दोनों का इवन प्लेस वैल्यूज और ऑड प्लेस वैल्यूज दोनों का डिफरेंस आपके पास जीरो आता है, और जीरो आपके पास यहां पर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर, इट मींस 27,896 इज डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टैंड? क्लियर हो जाती है बेटा ये बात, समझ में आता है? तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक किया 2 से लेकर 11 तक, दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा है कि बोर्ड मास रूल को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि वैल्यू ऑफ लेटर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना बेटा, आज आपका जो होमवर्क रहेगा इस वीडियो को स्टडी करना है और इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, और फिर जो मैं आपको क्वेश्चन शीट आपको सेंड करूंगा उस क्वेश्चन शीट के क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में जो डिस्कस किए गए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको उनको सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? आज के लिए हम इतना रखेंगे, आगे की वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए बेटा आप इसको स्टडी करें, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम।